नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा हमारा ग्रीन सेट ग्रीन चिक कुनूर का सेटअप, मतलब स्मॉल कुनूर का सेटअप जो हमने 10 पेयर लगा रखे, 10 केज में लगा रखे, तो उनसे आपने देखा कि उससे ब्रीड भी मिल रही और हमें छोटे छोटे चिक्स भी मिले, मतलब हेड ब्रीडिंग भी उठा लिया और अच्छी ब्रीड भी मिल रही, मतलब दो तीन जो बर्ड्स है, दो तीन पेयर जो है वो अंडे बच्चे भी कर रहे हैं। तो फिर उसके ऊपर बात आती है कि हमें एक व्हाट्सएप पे कमेंट्स आए थे कि आप फूड में क्या देते हैं, जो सॉफ्ट फूड होता है वो क्या देते हैं। तो हम तो दे ही रहे थे, तो लेकिन हमने सोचा कि चलो उसका भी एक वीडियो बना लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने व्हाट्सएप पे कमेंट्स किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही सवाल रहता है कि सॉफ्ट फूड के अंदर क्या क्या देना है। सॉफ्ट फूड के अंदर ऐसा खास तौर से कुछ नहीं देना है, जो अपनी रूटीन दालें होती है वही देते हैं हम। तो हम आज पूरा, मतलब वैसे भी हमारा सॉफ्ट फूड ख़त्म हो गया था, मतलब बर्ड को देने के लिए सॉफ्ट फूड ख़त्म हो गया था, तो हम सॉफ्ट फूड बनाने के लिए आज पूरा मटेरियल खरीद के लाया, तो आपको भी दिखा देते हैं। तो ये जैसे, और उसके साथ में रेट भी दिखा देते, ये जैसे मक्का है, इस कॉर्न बोलते इसको, आपको समझ में आ जाता, हो सकता है कुछ अलग अलग बोल सकते होगे, लेकिन इसको आपको देख के, इसलिए आज हम नाम नहीं बता रहे, खाली सब दिखा भी रहे। तो ये कॉर्न है, ये 30 रुपये के जी के आसपास आ जाता, तो ये 2 केजी कॉर्न लिया है हमने। हमारा जो सीड मिक्स सॉफ्ट फूड जो बनता है वो करीब करीब 17 केजी के आसपास बन जाता है, और 12 बर्ड के लिए वो करीब करीब 15 दिन आराम से चल जाता, और टोटल जो कॉस्ट है इसकी ये 1000 रुपये में हो जाता। तो 1000 रुपये में हमें क्या क्या मिला है, तो थोड़ा थोड़ा रेट भी बताने की कोशिश करेंगे। ये कॉर्न तो हमने बता दिया है 30 रुपये के जी, ये 60 रुपये का हो जाता। दूसरी ये बाजरी है, बारीक बाजरी है, लेकिन इसको भी हम भिगो के देते तो हमारे बर्ड खा लेते, ये भी 1 किलो मिलाते 30 रुपये का ये बाजरी हो जाता। तो उसके बाद जो जैसे ये सेंगदाना है, ऑयली सेंगदाना होता है, तो सेंगदाने का जो रेट होता है वो 120-130 रुपये के जी आता है, ये आधा के जी डालते हम तो ये 60 रुपये में आ जाता। दूसरा ये सोयाबीन बीज है जिससे ऑयल निकलता है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा तो ये सोयाबीन बीज है। तो ये सोयाबीन बीज जो है ये थोड़ी कॉस्टली आती है, खुले में लेते हैं तो वैसे तो सस्ती रहती, लेकिन दुकान से लेंगे तो क्योंकि इनका सेल कम रहता, तो ये 80-90 रुपये के जी दिया है हमने हमें। उसके साथ साथ ये वटाना है, हरा वटाना, तो ये हरा वटाना भी पता है आपको 70-80 रुपये के जी आ जाता। उसके बाद ये हरा मूंग है, तो हरा मूंग आपको पता है, ये हरा मूंग बोलते हैं कोई, इसको हरी दाल भी बोलते हैं, तो ये हरा मूंग जो है ये भी 100 रुपये के जी के आसपास आ जाता। उसके बाद आती है मिलेट बाजरी, ज्वारी, ज्वार जो होता है वो ज्वार 30-40 रुपये के जी आराम से मिल जाता हमें, 40 रुपये के जी मिला है। उसके बाद जो आता है ये खड़ा मसूर, खड़ा मसूर जो है वो ये खड़ा मसूर 120 रुपये के जी मिल हमें मिला है। तो आपके एरिया में हो सकता है, हम जो रेट बता रहे, रेट इसलिए बता रहे हैं कि आपको एक अंदाज़ा भी आ जाए और थोड़ा सा जानकारी भी मिल जाए, लेकिन हमारे सिटी नागपुर में जो रेट है वही हम बता रहे थे, ये 120 रुपये के जी आ जाता। उसके बाद ये मटकी है, मूंग का ही टाइप रहता है मटकी, तो ये भी 100 रुपये के जी आ जाती है। उसके बाद ये काला चना, काला चना जो है वो 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये के जी आता है अलग अलग एरिया में, हमें 60 रुपये के जी मिला है, ये 2 केजी हो गया 120 रुपये का। और ये होगी बरबटी, इसको और कुछ भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो बरबटी हम आधा किलो ही डालते हैं क्योंकि बरबटी उतना चाव से नहीं खाते हैं, तो ये 90 रुपये के जी के आसपास आता है, और ये आधा किलो लिया तो ये 45 रुपये का है, 50 रुपये का आ जाएगा। तो हमने, और ये गेहूँ तो गेहूँ गंदम जो भी बोलते हो इसको, गेहूँ ही है जनरली, गेहूँ ही बोलते हैं, तो ये 30 रुपये, 25-30 रुपये के जी आ जाता, तो 5 केजी गेहूँ मिलाते क्योंकि जो छोटे कुनूर है तो ये सब चीज़ें खाते हैं। हमने हमारे बर्ड को हमने पूरे प्रैक्टिकली एक एक अनाज खिला के देखा है, और खिलाते खिलाते हमें पता चला है कि हमारे बर्ड क्या खाते हैं। तो जैसे हमने बरबटी जो है वो कम डाली है, आधा किलो ही डाली है, तो वो क्योंकि वो कम खाते हैं, सोयाबीन ठीक ठाक खा लेते हैं, जो ऑयल वाले आइटम है इसमें सोयाबीन है और सेंगदाना है, तो सेंगदाना भी आधा किलो डाला है क्योंकि ये भी उतना नहीं खाते। तो ये सब मिला के जो सॉप बनता है सॉफ्ट फूड, तो इसको हम 24 घंटा जैसे आज सुबह हमने बर्ड को दे दिया तो कल के लिए आज ही भिगो के रख देंगे, तो इसमें पूरे जो है जैसे मक्का वगैरह हार्ड होता है तो पूरे भीग जाते हैं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, और हमारे बर्ड को देते तो अच्छे से खा भी लेते। इसमें से वेस्टेज के परसेंटेज बहुत कम रहता है, वैसे तो बर्ड वेस्ट करता ही है 5-10%, 20%, लेकिन फिर भी जो हम हमारे बर्ड को जो सॉफ्ट फूड के अंदर जो ये आपको चीज़ें दिखाया है ये सभी को आराम से खा लेते और हमारे बर्ड हेल्दी भी है और अच्छी ब्रीड भी कर रहे। तो चलो फिर मिलेंगे नए, क्योंकि ये हमें बताना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाया और कॉमेंट्स भी आया था, इसलिए हमने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया। और आज का वीडियो आपने पूरा देखा होगा, तो आप भी अगर स्मॉल कुनूर पाल रहे हैं
तो ये सीड मिक्स सॉफ्ट फूड देंगे, क्योंकि कुनूर बर्ड जो होते हैं उनका सॉफ्ट फूड और साग सब्जी फल यही मेन डाइट होता है। सीड मिक्स जो होता है वो 20% 30% ही खाते हैं, वो ये हमारे देखने में है, क्योंकि सीड मिक्स पड़ा भी रहेगा तो उसके बावजूद भी अगर आप फल और सॉफ्ट फूड दोगे तो पहले वो प्रायोरिटी सॉफ्ट फूड को देते हैं। तो इसलिए हमने ये सॉफ्ट फूड मतलब हमारे बर्ड को देते हैं। तो मंथली 10 जैसे 10 पेयर है हमारे पास, तो ये जो सॉफ्ट फूड बनाए ये 1000 रुपये में बनाए और 15 दिन का था, मतलब महीने भरे का हमें 2000 का खर्चा खाली कुनूर बर्ड के लिए ही सॉफ्ट फूड के ऊपर आता है, बाकी फल वगैरह तो अलग ही है। तो चलो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, और चैनल पे आप नए हैं तो जो चैनल का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो एंड स्क्रीन में जो हमने वीडियो लगा रखी है तो वो भी देख के आप देख सकते हैं। चलो फिर मिलेंगे, धन्यवाद, नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।